कांग्रेस ने आखिरकार सहारनपुर सीट पर पूर्व विधायक इमरान मसूद को मैदान में उतारा है। उनको कैंडिडेट बना दिया है। वह इंडिया गठबंधन कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। शनिवार देर रात कांग्रेस की ओर से 46 उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल रहा। इमरान के प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक बार फिर से 2019 लोकसभा चुनाव वाले समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सहारनपुर लोकसभा सीट को मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, जिस पर मुस्लिमों की संख्या करीब 7 लाख है। बसपा की तरफ से लोकसभा क्षेत्र प्रभारी माजिद अली को प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस से इमरान मसूद मैदान में आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़े राजनीतिक दलों से 2 मुस्लिम प्रत्याशी हो जाएंगे, जिस कारण इस बार मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है। 2019 में भी बीजेपी के सामने 2 मुस्लिम प्रत्याशी थे, जिसमें बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी। इसकी वजह ये थी कि हाजी फजलुर रहमान को मुस्लिम दलित समीकरण का लाभ मिला, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है और अनुसूचित वर्ग के वोटरों का झुकाव आज भी बसपा की तरफ ही है। ऐसे में इस बार मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि 2014 में जहां इमरान मसूद को 40,79,009 वोट मिले थे, वहीं 2019 के चुनाव में वह 20,70,068 वोट ही हासिल कर सके। इससे पहले सहारनपुर के चर्चित चेहरे कई दलों में होकर फिर कांग्रेस में लौटे। पूर्व विधायक इमरान मसूद ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदा था। उसी वक्त कयास लगाए जाने लगे थे कि उनका टिकट कांग्रेस से पक्का है। वैसे भी इमरान मसूद के अलावा सहारनपुर सीट पर कोई दूसरी मजबूत दावेदार कांग्रेस के पास नहीं है। शनिवार को अधिकृत कैंडिडेट के तौर पर पार्टी की तरफ से जारी होने वाला बी फॉर्म सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। 2014 के चुनाव के दौरान इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री को लेकर बूटी बूटी वाला बयान दिया था, जो उस समय काफी सुर्खियों में रहा। इस बयान के बाद ध्रुवीकरण हो गया था। उनकी हार की वजह ये बयान ही माना जाता है। इस बार सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। कैराना सीट पर सपा ने इकरा हसन को मैदान में उतार रखा है। अब कांग्रेस ने सहारनपुर से इमरान मसूद को उतार कर गठबंधन ने दोनों सीटों पर मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। इसे मुस्लिम समाज को तो खुश कर दिया, लेकिन दोनों सीटों पर मुसलमानों के अलावा अनुसूचित वर्ग समेत अन्य समाज भी प्रत्याशी को संसद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। तो ऐसे में देखना ये रहेगा कि इस बार क्या परिणाम निकलता है। वहीं इमरान मसूद के बारे में आपको बता दें कि मूल रूप से गंगोह के रहने वाले इमरान मसूद का परिवार राजनीतिक घराना रहा। साल 2006 में सहारनपुर नगर पालिका का चुनाव जीता और साल 2007 विधानसभा चुनाव में सपा से टिकट मांगा। टिकट नहीं मिलने पर वह मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़े और जीते। 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने उन्हें नकुल विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2014 में उन्होंने फिर से पाला बदला और सपा में पहुँच गए। सपा ने सहारनपुर लोकसभा से टिकट दिया, इस चुनाव में भी उन्हें हार मिली। 2017 में वह फिर कांग्रेस में आए और 5 साल तक रहे। 2022 में वह फिर सपा में चले गए। निकाय चुनाव से ऐन वक्त पहले उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर दिखाते हुए सपा को छोड़कर बसपा में एंट्री मार ली। करीब 6 माह पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करने पर बसपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया।